कुहू जाने अनजाने में इतना रो रही है कि उसे संभालने में उसकी माँ भी हैरान है, क्योंकि कुहू का सपना है कोयल को पढ़ा लिखा के उसे एक बड़े अधिकारी बनाने का। लेकिन आज जहाँ कुहू कोयल के हरकतों से परेशान होकर उसे मारने जाती है, तभी कोयल की नानी उसे वहाँ मारने से बचा लेती है। फिर उसके बाद कुहू अपने माँ से कहती है कि गलती हमारी है ना, जो मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। और वहीं दूसरी तरफ कोयल अपनी माँ के फूट फूट कर रोते हुए देखकर उसे माफी भी मांगती है। और कोयल अपनी किए हुए गलती को लेकर कान पकड़कर उठ बैठ भी करते हुए दिख रही है। फिर उसके बाद कुहू उसे गोद में बैठा लेती है और वहीं पर ये देखा जा रहा है कि हंसिनी राजीव के पास फोन लगाती है और झूठे मुठ्ठे रोते हुए कह रही है कि राजीव हमारी कनक मिली क्या और वो अभी कैसी है। लेकिन राजीव अभी कनक के बारे में हंसिनी को उस दौरान अब भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि राजीव को कनक के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी हासिल नहीं हुई है। फिर उसके बाद हंसिनी का फोन वहां से छीन लिया जाता है और वही प्रभा दादी भी कनक को लेकर काफी परेशान है। मगर राजीव कनक की लापता होने के खबर पुलिस स्टेशन में लिखा दिए हैं और वहीं पर पुलिस वालों के तरफ से ये कहा जा चुका है कि हम लोग इसे जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।